सो गाइस, अगर आप फ्री फायर गेम को ओनली 20 MB में डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो गाइस, अगर आप 700 MB का गेम को ओनली 20 MB में डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। एंड गाइस, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, एंड इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आप सभी को यकीन हो जाएगा। एंड मेरा एक फ़ोन के अंदर ओनली 20 MB में डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाऊंगा, एंड इसका जो OBB फाइल होगा एंड APK का जो फाइल होगा मैं उसको हाई कंप्रेस करके 20 MB में कन्वर्ट किया है, एंड आप सभी के सामने मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, एंड सब कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना अगर आपको 20 MB में फ्री फायर गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो। सो गाइस, इसके अंदर मैं कोई भी प्ले स्टोर का ट्रिक यूज नहीं करूंगा, मैं खुद का पर्सनल ट्रिक होगा। तो गाइस, कैसे कुछ करना होगा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। एंड गाइस, मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सके, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, चलिए बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे आप लोग फ्री फायर गेम को ओनली 20 MB में डाउनलोड कर सकते हो, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप 700 MB का गेम को ओनली 20 MB में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको एक जीप फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उस जीप फाइल का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, जीप फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लेना, तो जीप फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड कैसे आपका फाइल 700 MB होगा, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, मैंने जिप फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं फोन स्टोरेज के ऊपर गया एंड जाने के बाद मैंने उसको डाउनलोड किया, तो मैं डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर रहेगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो फ्री फायर का जो RAR फाइल है, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद मैं इसका डिटेल्स मैं आप लोगों को चेक करके दिखाना चाहूंगा। तो गाइस, यहां पे 20 MB नहीं ओनली 53 MB यानी कि 700 MB का गेम को मैं यहाँ पे 25 MB के आसपास कन्वर्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को 20 MB बता रहा था, इसके लिए सॉरी। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओनली 53 MB के अंदर आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करना होगा, तो इसके लिए आपको और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है जेड अचीवर। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जेड अचीवर, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगा। तो जेड अचीवर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग ओपन कीजिए, एंड ओपन करने के बाद आपका जो फाइल आपने जिस फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर रखा है उस फोल्डर को आप लोग ओपन करना। तो मेरे यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर रहेगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, एंड क्लिक करने के बाद आप ढूंढना होगा आपने जो RAR फाइल डाउनलोड किया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के थ्रू, उस फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड क्लिक करने के बाद मैं किस फोल्डर के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो मैं उसको बैक किया, एंड बैक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है अलार्म, तो मैं इसके अंदर मैं उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो मैं सिंपली मैं एक्सट्रैक्ट ओवर क्लिक किया, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो चुका है एंड सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो APK का फोल्डर मिलेगा और एक OBB फाइल का फोल्डर मिलेगा। तो गाइस, सिंपली आपको APK के ऊपर क्लिक करना होगा, एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो APK का फाइल यहाँ पे 53 MB हो चुका है, एंड इसका जो OBB फाइल है एंड OBB फाइल का यहाँ पे साइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 700 MB के आसपास हो चुका है। तो गाइस, ओनली 53 MB के आसपास यहाँ पे दोनों चीज़ें था, तो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा, एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको APK के ऊपर क्लिक करके आपको APK को इंस्टॉल कर लेना होगा। तो सिंपली मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, एंड इंस्टॉल किया, एंड सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको कैसे कुछ करना होगा मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ। सो गाइस, फ्री फायर गेम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली आपको डन के ऊपर क्लिक करना होगा, एंड डन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बैक करना होगा, एंड बैक करने के बाद इसका जो OBB फाइल है, तो सिंपली आपको OBB फाइल को ऐसे आपको मूव कर लेना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे कट के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड क्लिक करने के बाद आपको बैक आना होगा, एंड बैक आने के बाद गाइस एंड्रॉइड का एक फोल्डर मिलेगा, तो सिंपली आपको एंड्रॉइड के ऊपर जाना होगा, एंड एंड्रॉइड के ऊपर जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको OBB फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। तो OBB फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन है, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू फोल्डर किस नेम से क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो com.dts. यहाँ पे मैं जिस नाम से यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों को इसी से एक फ्री फायर का एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। सिंपली आपको ओके के ऊपर क्लिक करना होगा, एंड ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है, सिंपली आपको पेस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, एंड पेस्ट हो गया है आपका जो फाइल है OBB फाइल। तो फ्री फायर के अंदर
अदर ऐप पे आप दे सकते हो। फ्री फायर का जो फाइल पे पेस्ट हो चुका है। तो गाइस आप लोग जेट अचीवर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, एंड जेट अचीवर एप्लीकेशन के अंदर अच्छे से काम कर रहा है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आप दे सकते हो फ्री फायर गेम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो पहले यहाँ पे फ्री फायर गेम नहीं था, तो सिंपली मैं यहाँ पे फ्री फायर गेम को ओपन करूंगा एंड आप लोगों के सामने मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग दे सकते हो फ्री फायर गेम ओपन हो चुका है, एंड फ्री फायर गेम ओपन होने के बाद कुछ यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, तो आप सभी को परमिशन को अलाउ कर देना होगा। तो गाइस आप लोग ऐसे ही फ्री फायर गेम को आप लोग 700 MB गेम को आप लोग ओनली 20 MB में डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी गाइस यहाँ पे आप लोग 50 MB में डाउनलोड कर लोगे ऐप पे आप लोग दे सकते हो। तो गाइस आप लोग ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जो लाइक करना। सो गाइस आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।